नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बाहर हाहाकार है, अस्पताल में कोहराम है, कोरोना हर घंटे नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए आंकड़े का, नई मौत का, नई रिकवरी का। लाखों लोग देश भर में ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और वो घर में रहकर ठीक हो रहे हैं। इसमें कई लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, लेकिन ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक है। यकीन मानिए, कोरोना के केस लाखों में आ रहे हैं तो ठीक होने वाले भी लाखों में हैं। 95% से भी ज्यादा लोग घर में ही ठीक होते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को घर में क्या करना चाहिए, इसके अलावा भी कोरोना को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में हैं। देश के जाने माने डॉक्टरों का पैनल इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले हमारे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ होंगी, डॉक्टर शिखा शर्मा डाइटिशियन हमारे साथ, और अंतिका प्रकाश राय योग टीचर हमारे साथ हैं। योग को लेकर यह कहा गया है कि योग अगर आप करते हैं तो वैसे ही फिट रह सकते हैं। यह भी कहा गया है कि योग करने से कई फायदे होंगे, और साथ ही आज जब चार देश के जाने माने और महान डॉक्टर एक साथ बैठे हुए थे, देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अनुलोम विलोम करने के कई फायदे हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक रहेगा, इससे कोरोना से लड़ने में भी आपको मदद मिलेगी। तो सीधे चलते हैं, अंतिका हमारे साथ हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त योग के कौन कौन से ऐसे आसन हैं, कौन कौन सा प्राणायाम है जो करने से कोरोना से बचा जा सकता है और घर में रहकर यह सब किया जा सकता है। अंतिका नमस्ते, मैं अंतिका प्रकाश राय, योग एक्सपर्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें कोरोना हुआ है तो कौन से एक्सरसाइज और कौन से प्राणायाम करते हैं जिससे हमको राहत मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करने जा रही हूँ, तो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। और इस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को छोड़ के हमारे पास कुछ योग पोस्चर्स भी हैं जिसको हमें करने से राहत मिलता है, जैसे हलासन हुआ, भुजंगासन हुआ, शशांकासन हुआ और पर्वत आसन हुआ। इस तरीके से कुछ योग पोस्चर्स हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, चाहे वह योगा हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, थोड़ा सा डांस हो, हमको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। अंतिका, अभी एक सबसे बड़ी समस्या जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके सामने ये है कि सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम उनको हो रही है, और इसी की वजह से लोग डर जा रहे हैं, तुरंत वो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा रहे हैं या फिर वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाए कि वो सीरियस हो जाए और कोई अनहोनी हो जाए। ऐसे लोगों को कौन सा योग, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग योग से पॉजिटिव हैं और जिन लोगों को अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हैं, अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तब पर भी हमको नियमित रूप से ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कुछ योग पोस्चर करना जरूरी है और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं करने जा रही हूँ जिससे आपको रिक्रिएशन, जिससे आपको एक मानसिक रूप से खुशी मिलेगी और हमारे लंग्स को भी बहुत प्रभावित करता है। मेरे हाथ में एक गुब्बारा है, अगर आप देख रहे हैं, तो अगर हमको ब्रीदिंग को बहुत स्ट्रांग बनाना है, जिसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना होने के कारण हमको ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमको गुब्बारे को कम से कम सुबह में 5 बार और शाम को 5 बार करना चाहिए। कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। यह बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और इस तरीके से आप गुब्बारे के साथ कर सकते हैं। कितने गुब्बारे ऐसे मंगवा लें जिसको फुलाएं और फिर छोड़ दें और फिर शाम के लिए रख लें या दोपहर के लिए रख लें, और कितनी बार ये एक्सरसाइज करें? गुब्बारे का एक पैकेट मंगा के आप अपने घर में रख लीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जिस गुब्बारे से आपने किया है घर के कोई सदस्य और ना करे, और एक गुब्बारे को आप कर सकते हैं, हो सके तो उसको सैनिटाइज कर लीजिए, उसको धुल लीजिए। चलिए कुछ टिप्स और आपसे लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।
और साथ ही डॉक्टर शिखा शर्मा डाइटिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं, और इसके अलावा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा, अभी एक बात ये भी है कि जब बीमार हो रहे हैं लोग, बुखार उनको आ रहा है या फिर कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो सबसे पहली दिक्कत तो ये हो रही है कि उनको खाने की रुचि खत्म हो जा रही है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से वीकनेस काफी बढ़ जा रही है उनकी, वो कमजोर हो जा रहे हैं, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो अब कोविड है वो घर घर में पहुंच गया है, हर सोसाइटी में फैल रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ, सबसे पहले जो कोविड पेशेंट है उनको अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खाने को आपको एक मेडिसिन सोच के लेना पड़ेगा। और अपना फ्यूचर में अगर आपको चाहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और मैं जल्दी से वापसी अपने नॉर्मल लाइफ रूटीन में आ जाऊं, तो आपको खाना जरूर पड़ेगा। बट जो एक गलती बहुत फैमिलीज कर रही है, बिकॉज बींग अ हेल्थ एक्सपर्ट हमारे पास कॉल आती है, कहते हैं कि रात का हमें क्या डिनर लाइट रखना है, उन्हें ये कंसल्ट किया जाता है कि आपको लाइट डाइट पे रहना है, वो लोग वाटर डाइट ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पानी ही पिए, नारियल पानी ही सिर्फ पिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए जब आपको कोविड हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट कर रहा है, और उसको फाइट करने में आपके खाने का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और बहुत लोगों को टेस्ट जा रहा है, स्मेल जा रही है, इसलिए उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि खाने को आपको दवाई की तरह खाना है, और अगर हो सके तो आपको अपने लंच और डिनर में गेहूं की रोटी की जगह आप बाजरे या रागी की रोटी ले सकते हैं, बिकॉज बाजरा और रागी बहुत हाई न्यूट्रिशन होता है। और बहुत सारे ये भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, क्या खाने में घरी ही सब्जियां खाएं, बाकी सब्जियां कम खाएं? देखिए ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज हर सब्जी का अपना न्यूट्रिशन है। इनफैक्ट अगर हो सके तो मशरूम आप ज्यादा खा सकते हैं, बिकॉज मशरूम में आपको जिंक मिलेगा जो आपके इम्यून के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा बिकॉज ये वाला जो वायरस आया ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है, और बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे को कोविड हुआ है तो सबसे पहले पेरेंट्स ज्यादा वरी ना करें, उनकी डाइट का ध्यान रखें। अगर बच्चों का रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप उनको घर की बनी हुई सेवैयां दे सकते हैं, आप उनको घर में बने हुए कुछ वीट के नूडल्स दे सकते हैं, जो घर में गेहूं के बने हुए नूडल्स हो, बाहर से नहीं मंगवाना है, या मैगी या ऐसी चीजों का नहीं देना है, घर के बने हुए आप नूडल्स दे सकते हैं। आप बच्चों को लिक्विड, अगर उनसे पानी ज्यादा नहीं पिया जा रहा है तो आप उनको घर का बना हुआ लेमिनेट दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमें कंज्यूम करना है वो हमें ऑरेंज का जूस करना है, राइट? बिकॉज जो ऑरेंज का जूस है वो विटामिन सी देगा, और वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सब कुछ अच्छा साबित होगा। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप अंजीर भी ले सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फिक कहते हैं और हिंदी में अंजीर कहते हैं, बिकॉज जो अंजीर होता है वो बहुत न्यूट्रिशनफुल होता है। तो आप सुबह दो भीगी हुई अंजीर और रात को दो भीगी हुई अंजीर ले सकते हैं, बिकॉज अंजीर आपको एनर्जी देने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है डॉक्टर स्वाति, अब हमने ये तो जान लिया है कि योग करके अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को कैसे आप महफूज भी रख सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी उबर सकते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन घर पर रहकर इस वक्त इलाज कैसे हो? क्योंकि सलाह यही है इस वक्त कि अगर आप बहुत बीमार नहीं हैं, बहुत सीरियस नहीं हैं, तो हॉस्पिटल नहीं जाएं, घर पर रहकर इलाज आप करवाएं। 90% लोग तो घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल है कि इलाज हो क्या, कैसे इलाज हो? देखिए बहुत आसान है आज विद्यानाथ जी घर में कोरोना का ट्रीटमेंट करना, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि इस लहर में हम ये देख रहे हैं कि लगभग 85% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम घर पर मैनेज कर सकते हैं। देखिए अगर बात करें कि अगर आपको शुरुआती लक्षण हो रहे हैं, खांसी है, बुखार है, पेट में दर्द है, डायरिया हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का फिर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देंगे। डायरिया है तो हम डायरिया कंट्रोलिंग
मिगरेन की दवा देंगे, कफ है तो हम आपको कफ के लिए दवा देंगे, हेडेक हो रहा है तो उसके लिए, बैकएक हो रहा है तो उसके लिए दवा दी जाएगी। तो एक चीज तो ये है कि आपके लक्षण क्या है उनको आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए ताकि आपको जरूरी जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके और आपको जल्दी आराम आए। दूसरी चीज, आपको अपने आप को घर में आइसोलेट करना है तो आपको अपने एक अलग कमरा होना चाहिए और हो सके तो आपका बाथरूम भी अलग होना चाहिए ताकि परिवार के बाकी लोगों को आपसे संक्रमण नहीं हो। आपके बर्तन अलग होने चाहिए, वो अलग धुलने चाहिए, आपके कपड़े भी अलग धुलने चाहिए, वो मिक्स नहीं होने चाहिए, ऐसा हम कोरोना के समय में मानते हैं। उसके अलावा जैसे अभी आपने लंग एक्सरसाइजेस भी देखी, ये बहुत आसान है, आसानी से घर में किया जा सकता है। अब बहुत जरूरी चीज जो है वो ये है कि हमें पैनिक नहीं करना है। अगर हम पैनिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ पैर फूलते हैं, हम और भी उल्टा काम करते हैं इसकी बजाय कि हम सही काम करें। तो पहली बात, अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं तो आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देखिए, अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करिए, 6 मिनट लगातार चलिए, देखिए कि उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 94 से ऊपर रहता है तो घबराने की बात नहीं है। अगर 94 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आने वाले समय में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको जो अपनी लंग एक्सरसाइजेस हैं उनको बढ़ाना चाहिए। आपको पेट के बल लेट करके दिन में हर 2 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए पेट के बल लेटिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए, इससे जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो कहीं बेहतर होगा। और आप अपने डॉक्टर से बात करिए, वो आपको नेबुलाइजेशन या स्टीम जैसी चीजें एडवाइस करेंगे जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाए। और अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो अब आप घर में भी ऑक्सीजन को लगा सकते हैं, ये सुविधा आप घर में भी लेकर आ सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, यही मेरी एडवाइस रहेगी। ठीक है डॉक्टर शिखा, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, कोई कहता है कि प्याज खा लो कोरोना ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि कच्चा लहसुन चबा लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो कोरोना होता ही क्यों, क्योंकि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं लोगों के घर में है। एक बात है कि घरेलू ट्रीटमेंट का बड़ा फायदा ज़रूर है, तो क्या घरेलू ट्रीटमेंट ऐसे कौन से हैं जिससे फ़ायदा उठाकर लोग कोरोना से बच भी सकते हैं और अगर कोरोना हो जाए तो उससे निकलने में भी उनको मदद मिलेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये सब कुछ खा के अगर ठीक हो जाते या कोरोना नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक होना नहीं होगा, दो बातें हैं, नहीं होगा ऐसी कोई चीज नहीं है। यू नो लाइक एक जब इंडियन स्पाइसेस की बात आती है तो शिखा शर्मा इज ऑन नंबर वन, बट मैंने आज तक नहीं बोला कि कोई भी स्पाइसेस ले लीजिए और आपको कोरोना नहीं होगा। यस, आप अपने किचन के नुस्खों से आप कोरोना से बच के अगर आपको हुआ है आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे और अपने परिवार को बचा के रख सकते हैं अगर आपको नहीं हुआ है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, और जो हम गलतियां भी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हल्दी ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2020 में सीख लिया है हल्दी खाइए उससे इम्यून अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बट हल्दी का भी ज्यादा सेवन करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है, अपने किचन के नुस्खों में से आपको सुबह 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग को छोटा छोटा सा तोड़ना है, पानी से सटक लेना है, उसके बाद आधे चम्मच से कम या आधा चम्मच तक आपको हल्दी का पाउडर, कच्ची हल्दी नहीं, जो आपका एक नॉर्मल सा पाउडर आपकी रसोई में होता है, उसको पानी से सटकना है। उसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी है, अगर नहीं है तो बाहर से कुछ मत लाइए, अगर घर में तुलसी है तो 5 तुलसी के पत्तों को छोटा सा छोटा तोड़ के पानी से सटक सकते हैं। और डिनर के बाद, और अपने रात के डिनर के बाद आप जो काली मिर्ची हमारे घर में होती है उसका 1/4 चम्मच, आधे चम्मच से कम, उसे नॉर्मल पानी से सटकिए। ये सारे घरेलू नुस्खे आपको कोविड अगर हुआ है तो उससे जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, और अगर अभी तक आपको नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल बचा के रख सकते हैं। बट जैसे हम बोल रहे हैं, अगर कोविड हो जाएगा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एनर्जी लेवल पे काम करना है। और जैसे मैंने बताया अंजीर, अंजीर आपके एनर्जी लेवल पे बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी, आपको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी। और जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों को भी कोविड हो रहा है, तो बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो माँ बाप बच्चों को, जो बच्चे 8 साल से नीचे हैं उन्हें भी भर भर के जो काढ़ा दे रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत ऐसे पेशेंट आए हैं जहाँ पे 8 साल से छोटे नीचे बच्चा था, उसको 3-3 ग्लास काढ़ा दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर बच्चा आपका 8 साल से नीचे का है तो आपको उसको 3 चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आपको उसको अदरक,
और एक जो हमारा गार्लिक का जो लहसुन का हमारी कली होती है, आधी से थोड़ी सी कम कली आप उसको मिक्स करके मिला के सब कुछ बच्चे को पानी से गल्प करा दीजिए या पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिए। तो इससे देने से अगर आपके बच्चे को कोविड हुआ है तो उसका इम्यून उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा, और अगर बच्चे को नहीं हुआ है तो उसको बचा के भी रखेगा, उसके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अंतिका जी, इस बार क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, बच्चों की मौत भी हुई है और बच्चों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्राणायाम योग ऐसा है जो बच्चे करेंगे तो वो महफूज रह सकते हैं कोरोना से, और अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उसके, क्योंकि साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, तो उसके बाद का कोई प्राणायाम या योग है जो उन्हें निकालने में, उस परेशानी से निकालने में, साथ ही आगे कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो शारीरिक तौर पर, उससे मदद करे। विद्या सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग एक ऐसी प्रक्रिया है कि किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। तो यहाँ अगर हम बात बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों की लैंग्वेज ही कुछ अलग होती है, उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना होता है। तो आप अगर बात ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की हो रही है, मैं अभी पोस्टर्स पे नहीं जा रही हूँ, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जा रही हूँ, तो मेरे हाथ में अगर आप देख रहे होंगे तो एक सिटी है, ठीक है। बच्चों को कैसे एंगेज करना है, उनकी ही भाषा में हंसना है उनके साथ, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के पूरे टाइम रखना है, उनको एक उनके गले में पहना दिया, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद ब्रीदिंग लंबा और एक्सेल जाता है, मतलब बहुत प्राणायाम में बार बार कहा जाता है कि सांसें लंबी करिए, तो उनको उनकी ही भाषा में बार बार कहना है कि सीटी खूब देर तक बजाइए, सीटी खूब देर तक बजाइए। तो बच्चों को ये करना बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आपको बता दूं कि 5 से 10 बार इस सीटी बजाने की प्रक्रिया को करना है, और कुछ योग पोस्चर है जिसको करने से बच्चों को बहुत जल्दी ही राहत मिलेगा। यहाँ मैं बच्चे नहीं मेंशन करूंगी, यहाँ मैं सबको मेंशन करूंगी, अगर कोई पॉजिटिव है और कोई नहीं भी है तो। आज के समय में हमको नियमित रूप से योग की प्रक्रिया को अपने डेली यानी दिनचर्या में बना के रखना है कि हमें करना है तो करना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब करें, कैसे करें, मेरे शरीर में तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बात फ्लेक्सिबिलिटी की नहीं है, योग की परिभाषा में योग क्या है, योग मन की और तन की शक्ति है। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर हमने मन से सोच लिया कि यस हमें कुछ नहीं हुआ है, अगर हमें हुआ भी है तो हम ठीक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे। मतलब स्ट्रांग रहना है, ये अंतिका आप कह रही है कि स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहकर आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति जी, डॉक्टर स्वाति, ऑक्सीजन हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं, अभी देखिए जरूरत पड़ गई है तो ना सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से एक दूसरे राज्यों को मदद करने की कोशिश हो रही है, बल्कि विदेश से भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश हो रही है, आई भी है ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर कोई भी व्यक्ति ना जाए, इसको लेकर कोई आप कुछ कह सकती हैं, कुछ सलाह दे सकती हैं हमारे दर्शकों को, या फिर कब ऐसा वक्त आ जाता है जब आपको चले जाना चाहिए ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर? देखिए, जैसे अभी इतनी अच्छी लंग एक्सरसाइजेस भी बताई गई हैं, यही एक्सरसाइजेस हैं जो हमको सुरक्षित रखती हैं और हमारे ऑक्सीजन लेवल को फॉल होने से बचाती हैं। लेकिन अगर आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो लगातार 94 से कम आ रहा है, 90 और 94 के बीच में आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उल्टा लेटेंगे, गहरी सांसें लेंगे, उस टाइम नेबुलाइजेशन लेंगे या स्टीम लेंगे, तो उससे हम ज़्यादातर लोगों में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आपका परसिस्टेंटली ऑक्सीजन लेवल लो रह रहा है, ऊपर इंप्रूव नहीं हो रहा है या 90 के नीचे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में या तो आप ऑक्सीजन का सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, दोनों में से कोई भी एक चीज लेकर के आ सकते हैं। कंसंट्रेटर बेटर होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन वो एयर से बनाता है तो ये लंबे समय तक बनती रहती है, वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, तो उसमें आपको एक सुविधा रहती है। सिलेंडर में आपको उसे बार बार रिफिल कराना पड़ता है, और अभी जिस तरह से आप किल्लत देख रहे हैं ऑक्सीजन, उसमें जो है लोगों को जद्दोजहद ज्यादा हो जाती है कि सिलेंडर खत्म हो रहा है, पैनिक सिचुएशन आने लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में कंसंट्रेटर बेटर रहता है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी जो लोगों को समझने की है वो ये है कि अगर आप घर में ऑक्सीजन दे रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल को धीरे धीरे टाइट्रेट करना चाहिए। आपको ऑक्सीमीटर उंगली में लगा के रखिए और फिर ऑक्सीजन लेवल को धीरे धीरे बढ़ाइए और ये देखिए कि आपका ऑक्सीजन कितना इंप्रूव हो रहा है। 100% ऑक्सीजन लेवल नहीं करना होता है, अगर
94 पे आपका ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल आ गया है तो फिर आपको उसको वही रोक करके वही स्टेबल रखना चाहिए और उसी लेवल पर ऑक्सीजन देते रहना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि 10 में से 8 लोग कोरोना का नाम सुनते ही या पॉजिटिव आ गए हैं ये सुनते ही घबरा जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है, आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि 10 में से 9 लोग घर में रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोरोना की और हम बात कर रहे हैं कि कैसे घर में रहकर ही आप अपना इलाज भी कर सकते हैं, आप स्वस्थ भी हो सकते हैं और कोरोना से फाइट करके बाहर भी निकल सकते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, एक बार फिर से मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ हैं, डॉक्टर शिखा शर्मा डाइटिशियन हमारे साथ हैं और अंतिका प्रकाश राय योग टीचर हमारे साथ हैं। शुरुआत एक बार फिर से डॉक्टर स्वाति आपसे मैं करता हूं कि अभी क्या है, डर इतना ज्यादा हो गया है कि जैसे ही लोगों को पता लगता है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो वो डर जाते हैं और ये हो रहा है कि 10 में से 9 लोग इतने डर जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं और वो ठीक भी हो रहे हैं, डॉक्टर की सलाह क्या है उनको? सवाल ये भी कि किन हालात में कोरोना पेशेंट्स के लिए अस्पताल जाना बहुत मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम मैक्सिमम लोगों को घर पर ही ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर पा रहे हैं और जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं वो हम आराम से घर पे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हमें अस्पताल की तरफ जाना ज़रूरी है और उसके लिए कुछ ऐसे डेंजर साइंस हैं या फ्लैग साइंस जिन्हें हम बोलते हैं वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल घर में प्रयास करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है और उन्हें ऑक्सीजन की कोई सुविधा घर में नहीं मिल पा रही है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अस्पताल ही जाना जरूरी है। दूसरी बात, अगर किसी का फीवर बहुत ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, वो बिल्कुल भी घर में ठीक नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बुखार नहीं टूट रहा है, हाई ग्रेड हो रहा है, तो आपको जरूर अस्पताल के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गफलत में है, अगर आप उससे सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब कुछ और दे रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अपना नाम कुछ और बता रहा है या आपको कुछ बेहोशी की हालत अगर दिखाई दे रही है तो ये सिचुएशन भी ऐसी होती है जब हमें अस्पताल जाना चाहिए। चौथी बात, अगर किसी को बहुत ज्यादा डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है और वो बिल्कुल भी कोई चीज नहीं खा पा रहे हैं, अपने मुंह से कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर ले रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में और ऐसे लोगों को भी अस्पताल में उस वक्त हमें ड्रिप्स देकर रिहाइड्रेट करके और वॉमिटिंग और लूज स्टूल को रोकने का जरूरत होती है। तो ये भी एक ऐसा वर्ग है जिन्हें हमें अस्पताल के लिए बोलना चाहिए। या अगर किसी के हाथ पैर सूज रहे हैं, आपको लग रहा है कि होंठ नीले पड़ रहे हैं या उंगलियां नीली पड़ रही हैं या पैर के नाखून आप देख रहे हैं नीले पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उन लोगों को अस्पताल ही जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके संक्रमण के जो लक्षण हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपको घर में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, आपको खांसी लगातार होती जा रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, आपकी पसलियां चल रही हैं बहुत ज्यादा, तो ये सब ऐसे सिम्टम्स हैं, रेड फ्लैग साइंस हैं जब हम कहते हैं कि आपको अस्पताल में इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है और घर में अब आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और खास तौर से जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लंग प्रॉब्लम्स या हार्ट डिजीज वगैरह पहले से हैं, उन लोगों को इन चीजों को लेकर ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि उन लोगों में हम ज्यादा तीव्र लक्षण देखते हैं और उन लोगों में हम डिटोरिएशन भी ज्यादा फास्ट देखते हैं, तो ऐसे वर्ग को ज्यादा सचेत रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आपने कहा कि जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं, जिनको पहले से लंग प्रॉब्लम है या फिर उनको किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, डायबिटिक हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मैं अंतिका के पास चला जाता हूं। अंतिका जी, ऐसे लोग जो पहले से बीमार हैं और जिनके ऊपर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है और खतरा के बाद अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये खतरा भी होता है कि उनके साथ कुछ मिसहैप हो सकता है क्योंकि वो पहले से बीमार चल रहे थे, ऐसे लोगों के लिए कुछ आप बताएंगी प्राणायाम योग? मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर किसी भी परेशानी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो क्या होता है कि एक मानसिक दबाव पड़ जाता है कि बीमार हो गया हूँ, बीमार हो गई हूँ, तो ऐसी स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होने लगती है, छोटी होती है हमारी ब्रीदिंग, तो जब हमारी ब्रीदिंग छोटी होगी तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ ऐसे योग पोस्चर्स हैं जिसको ईजी तरीके से घर बैठे बैठे किया जा सकता है। प्राणायाम करने में
कुछ लोग बहुत बोरिंग समझते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, सांस में डिफिकल्टीज आती है, तो ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले तो आप मन से हटा दीजिए कि यह बोरिंग है, इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं है। तो जो हमारी मानसिकता है ना कि क्या होगा कुछ नहीं, एक दिन में करने से तो कुछ होता नहीं है, समय लगता है हर चीज को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले, अगर आप हमें देख रहे हैं तो मैं जिस पोजिशन में बैठी हूँ, इसको योग की भाषा में कहते हैं सुख आसन, यानी सुख की स्थिति। सुख आसन में बैठने के बाद दोनों हाथों को खोलते हुए हमको एक लंबे सांस लेते हुए और आंखों को बंद करिए। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा हमारे तरफ आती है, और धीरे धीरे एक्सहेल किया तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे हाथों की एक्सरसाइज हुई और हमारी ब्रीदिंग्स हुआ, इसका मतलब कि हमने दो चीजें एक साथ किया। इस तरीके से करने के बाद हमने क्या किया, दूसरे योग पोस्चर में जाते हैं जिसको हम कहते हैं वज्रासन की स्थिति, इसको हम मेडिटेटिव पोज भी कहते हैं। तो वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद दोनों हाथों को ऊपर रखा, ठीक है, ऊपर रखने के बाद धीरे से हम नीचे की तरफ गए, और उसके बाद यह दो पोस्चर्स करने के बाद हमको ध्यान देना है कि सांस को घबरा के नहीं लेना है, धीरे धीरे सांसों को लेना है, इनहेल और एक्सहेल। इसको करने के बाद हमने क्या किया, धीरे से इस मुद्रा में आने के बाद जिसको हम कहते हैं बलासन, बलासन बोले तो आपने देखा घर में छोटे बच्चे ऐसे सोते हैं, ये देखिए, और इसको करने के बाद हम दोनों पैरों को मिलाते हैं और हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और एक चेहरे पे स्माइल लेते हुए जिस ऐसा फील करने की सारी खुशियां भगवान ने हमें ही दी है, और यह सत्य भी है क्योंकि खुशी और दुखी फील करने का चीज है। और इसको हम बोलते हैं मकरासन। मकरासन का मतलब होता है कि उसको बोलते हैं ना चिटिंग करना, मतलब अपने कामों से, यानी मकरागिरी करना। ये देखिए, यह बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को हैप्पी रखने का, अपने आप को हेल्दी रखने का। इस तरीके से फिर हम वज्रासन में बैठते हैं, और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि योग एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, योग एक हमारा लाइफ स्टाइल है। हमें साफ सुथरा रहना है, नियमित रूप से अपने काम को नियमित रूप से करना है। काम को नियमित रूप से कहने का आशय यह है कि एक समय बना लें, एक टाइम टेबल बना लें कि हमको सुबह 6:30 to 7 के बीच में उठना है, अपना डेली रूटीन करना है, और थोड़ा देर योगा मैट पे बैठने के बाद घर के किसी भी कोने में जहाँ पे आपको शांति मिलती है, आप 5 मिनट बैठ के देखिए, कोई भी भजन लगाइए, कोई भी मंत्रास लगाइए, इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, हिंदी म्यूजिक सुनते हैं, यह आपका है व्यवस्था कि आप कैसे सुनते हैं उसको। तो अंबिका, क्या ये जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो तमाम लोग भी ये सब कर सकते हैं जो अभी आप दिखा रही हैं, जो आसन बता रही हैं? यह आसन इतना सरल और आसान है कि कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने इस पोस्चर को करके दिखाया। ठीक है, आपके पास लौट कर आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी हैं और डॉक्टर शिखा भी हैं। डॉक्टर शिखा, अब एक बात ये भी है कि पहले से जो लोग बीमार चल रहे हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन लोगों को पहले से ही बताया जाता है, डाइटिशियंस आपकी तरह डाइटिशियंस पहले ही गाइड कर चुकी होती हैं कि उनको क्या खाना है और कितना खाना है। अभी आज के जो हालात हैं, कोरोना वाले हालात, इन कोरोना वाले हालात में कहा जा रहा है कि आप प्रोटीन लीजिए अच्छे से, आप न्यूट्रिशन लीजिए अच्छे से, आप विटामिन लीजिए और साथ ही जिंक आप लीजिए। तो जो पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, जो हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अभी क्या खान पान की चीज होनी चाहिए ताकि वो कोरोना से भी बचें और उनकी बीमारी भी ना बढ़े? बिल्कुल, देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि डाइटिशियंस ऑलरेडी लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ आज जैसे हमारा शो चल रहा है तो सिर्फ वो लोग नहीं जो डाइटिशियन अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता हो, बट एक घर घर में एक जो डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे लोअर यू नो इकोनॉमिकल क्लास है, हर कोई ये शो देख रहा हो, तो उनको मैं बताना चाहूंगी। देखिए खाने में जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, अगर अभी क्योंकि कोविड चल रहा है, बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग घर है जो बहुत सारी चीजें नहीं मे भी अफोर्ड कर पा रहे होंगे, आपको अपनी दालें और खिचड़ी, ये दोनों चीजें आपको अपनी डाइट में हर रोज लेनी, अपने खाने में आपको एक टाइम पे खिचड़ी और एक टाइम पे आपको दाल का सेवन जरूर करना है।
और अगर अभी आपको कोविड नहीं है तो आप दही का सेवन जरूर करें, बिकॉज जो दही होती है वो आपका जो आजकल नया कोविड ये चला है, ये बहुत सारे लूज मोशंस भी हो रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, खाना हजम नहीं हो रहा है, उल्टियां बहुत हो रही है, तो उससे बचने के लिए आप दही का सेवन जरूर करें। और जैसे हम देख रहे हैं मौसम भी बड़ा अजीब सा हो रहा है, कभी ठंडी हो रही है, कभी दही से कहीं कफ की शिकायत तो नहीं होगी? क्या बोल रहे हैं प्लीज? दही खाने से कफ की शिकायत तो नहीं होगी? क्योंकि अभी लोग तो डर ये भी रहे हैं कि थोड़ा सा कफ भी हुआ तो लोग समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोरोना होने जा रहा है। बिल्कुल 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 आपने सही बोला कि कब्ज की शिकायत बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको होगी। आप दही को ज्यादा मत लीजिए, अगर दही अगर आप ले रहे तो उसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि कब्ज हो सकता है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्ची डाल लीजिए, और दही आपको बड़े बड़े कटोरे नहीं, छोटी सी कटोरी ले लीजिए। उसके अलावा कम मात्रा में खाएं, कम मात्रा में ले लीजिए बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आप अगर आपके पास अगर लंग्स की पहले से ही अगर आपको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप रोजाना अदरक और लहसुन का सेवन जरूर करें। और कितना आपको करना है, सुबह 2 कलियां लहसुन की और आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक आपको पानी से सटकना है, आप उसको गुनगुने पानी से ले सकते हैं। और सेम चीज आपको डिनर के बाद करनी है, बिकॉज लहसुन और अदरक ये दोनों ही चीजें आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। और जिन लोगों को आप अपनी बात और आगे पूरी करें, उससे पहले मैं बीच में थोड़ा सा एक चीज और डाल देता हूं, एक सवाल और पूछ लेता हूं ताकि आप उसको भी क्लियर करते चलें और दर्शकों में भी क्लियरिटी आए कि जो हम बात कर रहे हैं ये गंभीर बीमारी से पीड़ित जो लोग पहले से हैं उनके लिए हम ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। तो ये जो अदरक और लहसुन आप बता रहे हैं ये कौन कौन से पेशेंट, कौन कौन से गंभीर बीमारी से पीड़ित जो पेशेंट हैं वो ले सकते हैं? किडनी वाले, हार्ट वाले, शुगर वाले, कौन से पेशेंट ले सकते हैं और किन को नहीं लेना चाहिए? देखिए, तो यहाँ पे हम गंभीर बीमारियों का यू नो जिक्र कर रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, बीपी है, किडनी है। अगर आपको डायबिटीज है तो बिल्कुल आप अदरक और आप जिंजर का, आप अदरक का और लहसुन का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको किडनी की अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, उस टाइम अपने मसालों का नहीं, आपको अपनी दवाइयों का ध्यान रखना है। और अगर आप किडनी पेशेंट है और अगर आपको कोविड हो गया है तो बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बट आप तुलसी जरूर ले सकते हैं, बिकॉज तुलसी जो होती है वो बिल्कुल हानिकारक नहीं होती है, आपको फायदा ही देगी। बट उसमें भी ज्यादा तुलसी का सेवन मत कीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को देखा गया है कि तुलसी के पाउडर बना के 3-3 चम्मच दिन में से ले रहे हैं। अगर आपको लेना है तो आधा चम्मच या फ्रेश तुलसी, तुलसी के 3 पत्ते ले सकते हैं। उसके अलावा जो हाई बीपी पेशेंट है उनको काली मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, उससे आपकी बीपी बढ़ सकता है। और अगर आप हाई बीपी पेशेंट है, आपको ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेनी है, ग्रीन टी को आप बिल्कुल हटा दीजिए अपनी डाइट में से। अगर आप, आपको हाई बीपी, आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अश्वगंधा का आधे चम्मच से कम सुबह आप सेवन कीजिए, ये आपको कोविड में और आपके हाई बीपी में दोनों में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो लोगों को डायबिटीज है और अभी अगर वो कोविड से जूझ रहे हैं, तो हमने एक चीज देखी गई है कि क्योंकि वो आइसोलेट है, रूम के अंदर है, तो उनका चलना फिरना इतना नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी रेगुलरली अपनी शुगर को मेंटेन रखना है, अपना चेक करते रहना है। उसके साथ आप सिनेमन ले सकते हैं, तो दालचीनी होती है, दालचीनी का आधा चम्मच आप डिनर के बाद लीजिए तो आपकी शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। तो इन छोटी छोटी बात का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, अब वक्त बहुत है नहीं, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, लेकिन सवाल बहुत सारे अभी भी हैं क्योंकि सवाल तो इतने सारे हैं जो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछ लेता हूं, आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। एक तो अगर घर में कोई कोविड पेशेंट है, मान लीजिए एक फ्लैट है उसमें 2 कमरे हैं, 4 लोग रहते हैं, कोई कोविड पेशेंट हो गया है, तो उस घर का प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? साथ ही मैं ये भी जोड़ देता हूं कि मान लीजिए उस घर में कोई डायलिसिस का पेशेंट रहता है तो उस डायलिसिस पेशेंट के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर घर में कोई दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो? देखिए, घर में अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है और आपके घर में ये सुविधा है कि आप उन्हें एक अलग टॉयलेट और अलग रूम दे सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, और नहीं है तो बाकी लोगों को, और नहीं है तो फिर आपको डबल मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति से दूसरे को ना जाए। आपको डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी, जब आप पास बैठते हैं तो संक्रमण ज्यादा होता है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने घर को अच्छे से वेंटिलेट करें, जितना हवा की आवाजाही होगी घर के अंदर उतने वायरस के कीटाणु
कीटाणु जो है वो अंदर नहीं पनपेंगे और बाकी लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और जैसे मैंने पहले बोला, कपड़े और बर्तन आपको अलग करने की जरूरत होगी, और अगर हाई रिस्क केसेस आपके घर में डायलिसिस के या हार्ट पेशेंट्स वगैरह, तो आपको उनको डेफिनेटली डबल मास्क से सुरक्षित करके बार बार हाइजीन का भी एक ध्यान रखना होगा, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना होगा, ताकि उन लोगों तक संक्रमण ना पहुंचे। ठीक है डॉक्टर स्वाति, अगला सवाल ये भी आपके लिए ही है। कहते हैं ना कि बीमारी आती है तो अपने साथ सैकड़ों मुसीबत भी लेकर आती है, ऐसी मुसीबत उन नवजात के साथ है जिनकी माँ को कोरोना हो रखा है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर माँ को कोरोना हो तो नवजात बच्चे को माँ को फीड कराना चाहिए या नहीं? जी हाँ, नवजात शिशु को आप फीड करा सकते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन आपको फिर से वही हाथ धो करके नवजात शिशु को छूना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे तो आपको डबल मास्क जरूर पहनकर रखना है उतनी देर, ताकि बच्चे से आपको संक्रमण नहीं हो। और अगर किसी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, बुखार ज्यादा है और दिक्कत है, तो वो ब्रेस्ट पंप से अपने मिल्क को निकाल सकते हैं और फिर कोई घर का दूसरा व्यक्ति उसे कटोरी चम्मच या बॉटल से पिला सकते हैं बच्चे। अब एक सवाल बिल्कुल उल्टा है कि अगर बच्चे को, मान लीजिए क्योंकि बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं इस बार, अगर किसी नवजात बच्चे को या छोटे बच्चे को, 5 साल 7 साल 4 साल बच्चा, जो बच्चा अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता है, खाता नहीं है, तो अगर मान लीजिए उस बच्चे को कोरोना हो जाता है और उसकी माँ को उसका केयर करना ही पड़ता है, तो फिर उस माँ के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसे में बच्चे को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए और आप फिजिकली माँ को उससे दूर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में फिर से यही बात है कि माँ को डबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी बार भी वो बच्चे की हैंडलिंग कर रही है, साबुन और पानी से हाथ धोकर के उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हैंडलिंग करें। और छोटे बच्चे जिनके घर में हैं और वो बोलते हैं कि हम कैसे सोएं, बच्चे से अलग कैसे सोएं, बच्चे को तो हमारे साथ ही सोना होगा, वहां मैं एक छोटा सा सुझाव लोगों को ज्यादातर देती हूँ कि बच्चे का मुंह अपने पैर की तरफ कर लीजिए ऐसी सिचुएशन में, ताकि एक दूसरे से संक्रमण होने की संभावनाएं कम हो जाए, बच्चा आपके पास भी रहेगा। और रात में अगर आप दोनों का मुंह उल्टी तरफ है तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हम संक्रमण से भी बच सकते हैं। अब एक लाइन का सवाल पूछता हूं, एक ही लाइन का कोशिश कीजिए जवाब दीजिए डॉक्टर स्वाति, क्योंकि वक्त एकदम ही खत्म हो गया है। अभी बहुत सारी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन और ऐसी बातें, दवाइयां चल रही है सोशल मीडिया पर, और लोग कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना है तो ये दवाइयां आप खा लीजिए, आप शुरुआत में ये दवाइयां शुरू कीजिए, गंभीर होंगे तो फिर डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या वो दवाइयां खानी चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर दवाइयां खानी चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां खानी चाहिए। किसी भी दवा का अपने आप सेवन किसी को नहीं करना चाहिए, ये सब नुकसान भी दे सकते हैं, इसलिए ये गलती ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर शिखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अंतिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको हमारे शो से मिल गए होंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी जो आप जिसका जवाब जानना चाहते थे और इधर उधर ढूंढ रहे थे, सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे सर्च इंजन पर, उन सवालों के जवाब भी आपको आज मिल गए होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।